Hello everyone, this is Shivraj Gurjar, and today onwards we will discuss PYQs of Mechanics and Fluid Dynamics. ठीक है, बहुत से प्रॉब्लम तो वी ऑलरेडी टेकन. ठीक है, जो बैलेंस है आई विल डिस्कस दोज, और जो पहले हमने ले रखे थे विच वी हैव डिस्कस, उसका लिंक आई विल पुट इन डिस्क्रिप्शन एज वेल एज पिन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, तो वहाँ से यू कैन रेफर टू द वीडियोज जहाँ पे वो सॉल्यूशन है. ठीक, सो लेट अस स्टार्ट. दिस इज 2019 क्वेश्चंस. ठीक है, देयर वर दीज 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इन 2019 फ्रॉम फ्लूइड एंड मैकेनिक्स कंबाइंड. ठीक है, इस पेपर 2 में आता है. ठीक है, पेपर 2 में सेक्शन B. ओके, तो देखो, लेट्स स्टार्ट विद दिस वाज 10 मार्कर 5C. ओके, जो कंपल्सरी क्वेश्चन है उसका पार्ट है. ठीक है, सो एंड दिस इज वेरी इजी. इनफैक्ट दिस इज डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल. कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये मैंने डिस्कस किया. इन केस यू हैव एनी इश्यू विद दिस प्रिंसिपल देन यू कैन प्रिंसिपली रेफर टू द वीडियोज रिलेटेड टू दिस प्रिंसिपल. ठीक है, a uniform rod OA of length 2A, free to turn about its end O, revolves with angular velocity omega about the vertical OZ through O and is inclined at a constant angle alpha to OZ. Find the value of alpha. Okay, so basically setup क्या है, इस type से हैं. Let us say this is OZ, this is basically axis in vertical plane. ठीक है, और इससे ये एक रोड है जो अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, बट ये रोटेट हो रही है. बेसिकली ये क्या है, रोटेट हो रही है वर्टिकल प्लेन में. ऐसे मीन्स ऐसे सर्कुलर पाथ पे ये रोटेट होगी, इस टाइप से ये रोटेट हो रही है. ठीक है, बट ये जो रोटेशन होगा इसका इस हॉरिजॉन्टल, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इससे हमेशा अल्फा एंगल पे ही ये रहेगी. ठीक है, सो बेसिकली देखा जाए तो ये अगर इसको अगर टॉप से देखें या यहाँ बॉटम से देखें, सो दिस विल बी ए कोन. इसका जो बेसिकली ये जो रोड है इट विल एक्ट एज ए जनरेटर फॉर ए कोन, तो एक कोन बनेगा इसका. ठीक है, और इसका जो सेमी हाफ या सेमी एंगल होगा जिस कोन का, वो अल्फा होगा. दिस इज ए राइट कोन इनफैक्ट. ठीक है, राइट एंगल कोन. तो ये बड़ा सिंपल है. इस टाइप के क्वेश्चन मैंने डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल में भी डिस्कस किए थे. ठीक है, ओके, सो इसमें देखो क्या करेंगे. इसमें क्या होगा, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स देखेंगे. रिवर्स इफेक्टिव फोर्स और इम्प्रेस्ड फोर्सेस, ये दो चीज़ देखते हैं हम लोग इसमें. इम्प्रेस्ड फोर्सेस, दीज आर द टू फोर्सेस जो हम देखते हैं डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल में. अब देखो इसमें जब ये रोटेट कर रहा होगा तो इस पर लेट अस से यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे ये कोई एलिमेंट ले लेते हैं, एक डीएम एलिमेंट ले लिया. ठीक है, और इस पर फोर्स स्टडी करते हैं. तो अगर इसको थोड़ा ऐसा कर दिया जाए, देखो यहाँ से ये वर्टिकल है, यहाँ से x डिस्टेंस पे ये हमने एक dm एलिमेंट ले लिया. ठीक है, तो ये एक सर्कल में घूम रहा होगा ऑफ कोर्स. ठीक है, क्योंकि जो रोड है वो सर्कल में मूव कर रही है, एलिमेंट भी उसी के साथ मूव कर रहा होगा. तो ये x है, ये अल्फा है, तो दिस डिस्टेंस विल बी ऑफ कोर्स x sin अल्फा. राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी से वी कैन से दैट दिस इज x cos अल्फा. ठीक है, अगर ये dm है तो यहाँ पे जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है वो इस साइड लगेगा, दैट इज dm ओमेगा स्क्वायर आर. बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स होएगा वो क्या होगा, dm ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक है, और इस पे जो है जैसे ये रोड है, इसका मान लो मिड पॉइंट यहाँ कहीं है, तो इस पे mg मास वर्क कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है, तो इसमें इम्प्रेस्ड फोर्स क्या है, इम्प्रेस्ड फोर्स तो है हमारे पास, इम्प्रेस्ड फोर्स इज mg जो कि वेट है. ठीक है, एंड जो इसमें रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स वो क्या होगा इस रोड पे, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dm ओमेगा स्क्वायर r. r मीन्स यहाँ पे ये जो रेडियस है वो क्या है, यहाँ पे x साइन अल्फा है. भाई जिस रेडियस में ये सर्कल में मूव कर रहा है एलिमेंट उसकी रेडियस तो x साइन अल्फा, सो दिस x साइन अल्फा. इसका इंटीग्रेशन थ्रू आउट द रोड करेंगे देन तो टोटल रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है वो हमें मिलेगा. ठीक है, अब देखो हमें सिर्फ अल्फा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखो, क्योंकि ये यहाँ से हिंस्ड है इस एंड पे, ये इसमें कुछ रिएक्शन या समथिंग होगा. सो हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, मोमेंट अबाउट ओ, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ अगर लिया जाए तो देखो जो एम जी है वो यहाँ पे ये टोटल लेंथ हमें 2a गिवन है, तो जो इसका a डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो मोमेंट अबाउट ओ करेंगे तो देखो एम जी का मोमेंट क्या आएगा, एम जी इंटू ये डिस्टेंस जो भी होगी, क्योंकि देखो ये जो है इसको अगर देखा जाए तो दिस इज लाइक दिस इज रोड, दिस इज सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे एम जी वर्क कर रहा है। अगर इसको ऐसे एक्सटेंड किया जाए तो इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये डिस्टेंस इंटू दिस फोर्स, फोर्स की जो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है फोर्स से। तो देखो ये जो है ये ए है, ये अल्फा है, सो ऑफ कोर्स दिस विल बी ए साइन अल्फा, और ये लेंथ तो सेम है, तो एम जी इंटू ए साइन अल्फा। अब इस टॉर्क का देखो इसके अबाउट कर रहे हैं तो ये इस टाइप से इसको रोटेट करा, तो कि क्लॉक वाइज रोटेशन है, तो माइनस लेंगे बाई कन्वेंशन, ठीक है। प्लस रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन अल्फा, ये डी एम पे लग रहा है, एक स्मॉल एलिमेंट जो डी एम हमने लिया उस पर ये फोर्स लग रहा है। अब इसका देखो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट लेंगे तो ये जो फोर्स है ऐसे लग रहा है, तो इसकी जो है दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, तो इसकी ये डिस्टेंस हमें देखनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस, दैट इज एक्स साइन अल्फा, ठीक है। पर ये एक एलिमेंट पे देखा, ऐसे एलिमेंट क्या होंगे, पूरी इस लेंथ पे होंगे, पूरे इस रोड पे होंगे, तो इस पूरी रोड जो है उस पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस शुड बी जीरो, क्योंकि और इसमें कोई इम्प्रेस और फोर्स है नहीं। रिवर्स इफेक्टिव फोर्स तो ये है और इम्प्रेस फोर्सेज और कुछ है नहीं, बस इसको सोल्व करना है एंड वी आर डन। अच्छा डी एम क्या होगा, इसका डी एम क्या है, ये रोड है, तो ऑफकोर्स इसमें वेरिएबल एक ही है, तो लेंथ के अलोंग इसको यूनिटाइज करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अच्छे से डिस्कस किया, राइट। सो दिस इज टोटल मास m है, टोटल लेंथ 2a इंटू डी एक्स, दिस विल बी द dm, dm क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज m बाई 2a इंटू डी एक्स, बस इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए। सो दिस इज एम जी ए साइन एल्फा इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 2a ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन एल्फा, दिस इज एक्स कोस अल्फा। भाई ये जो फोर्स है इसकी ये डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस क्या है, एक्स कोस अल्फा, ठीक है। तो कोस अल्फा डी एक्स, दिस ये हो गया, बस इसको सिंपली थोड़ा रेशनलाइज किया है, तो एम जी ए साइन अल्फा। अच्छा इसमें देखो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जीरो से 2a तक, भाई यहाँ पे लेंथ जीरो है, ऐसे 2a तक एलिमेंट लेंगे हम, डी एम टोटल लेंथ 2a है, बस इसको सोल्व कर दिया जाए एंड वी आर डन। एम डिवाइड बाई 2a ओमेगा स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट 0 से 2a, और इसको व्हाट वी कैन से दैट एम जी ए साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर 2a साइन अल्फा कोस अल्फा 2a का क्यूब, दैट इज 8a क्यूब बाई 3। बस इसको थोड़ा सोल्व कर दिया जाए, देखो साइन अल्फा से साइन अल्फा हो गया कैंसिल, कैंसिल मतलब साइन अल्फा कैन बी 0, ठीक है। और ये हो गया एम जी ए इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर कोस अल्फा 2a से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 3। आई होप यहाँ तो क्लियर है, अभी तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। तो दिस कैन बी रिटन एज m से m कैंसिल हो गया, a जी एक a b तो कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज g इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कोस अल्फा 4a बाई 3, और कोस एल्फा इज 3g डिवाइड बाई 4 ओमेगा स्क्वायर a, और एल्फा इज नथिंग बट कोस इनवर्स 3g डिवाइड बाई 4 ओमेगा स्क्वायर a, और यहाँ से एल्फा 0 भी हो सकता है, तो 0 और दिस, दीज आर द पॉसिबल एंगल ऑफ एल्फा, ठीक है। अगर एल्फा 0 हो जाएगा, एल्फा अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर रोड जो है एकदम वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है। सो एल्फा 0 को वी कैन रिजेक्ट, मीन्स ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है, सो आंसर विल बी दिस, ठीक है। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये 20 मार्क्स के लिए पूछा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट प्रोसेस फॉलो करना है। इसमें यूज एट हमने जो डिस्कस किया था, मोशन इन 2 डिमेंशन प्लस लेग्रांजियन से करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। जरूरी नहीं है वैसे लेग्रांजियन से करें, इसको चेंज इन एनर्जी से भी कर सकते हैं, चेंज इन एनर्जी शुड बी 0 बिकॉज सिस्टम कंजर्वेटिव है ये, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। पोटेंशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, इससे भी कर सकते हैं, लेग्रांजियन से भी कर सकते हैं, हैमिल्टोनियन से भी कर सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं, बट लेग्रांजियन से, क्योंकि इसमें सिर्फ मोशन ऑफ इक्वेशन का यूज है, तो लेग्रांजियन से थोड़ा जल्दी हो जाएगा इन माय ओपिनियन, ठीक है। सो लेट अस सी, अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस a एंड रेडियस ऑफ जायरेशन k रोल्स विदाउट slipping inside a fixed hollow cylinder of radius B, okay, so B is greater than A, show that plane through axis moves in a circular pendulum of length, okay. Plane through axis, okay. तो बेसिकली हमें देखना है जो स्मॉल सिलेंडर है जो कि होलो सिलेंडर के अंदर रोल कर रहा है और उसमें जो है उसका जो मूवमेंट है या उसकी जो बेसिकली उसका मोशन है उसके थ्रू में जो टाइम पीरियड मिलेगा वो देखना है, ठीक है। तो ऐसा है कि इसमें ऐसे एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, और उसमें एक स्मॉल सिलेंडर है, इसकी रेडियस बी गिवन है, इसकी रेडियस ए गिवन है, और जो बड़ा सिलेंडर है उसकी रेडियस ए है। तो अगर देखा जाए, मान लो ये t इक्वल्स टू 0 की पोजीशन है, तो अगर इसको ऐसे कंबाइन किया जाए तो ये टोटल ए है, टोटल बी है, दिस लेंथ इज बी, एंड ये स्मॉल सिलेंडर है, इसकी रेडियस ए है, तो अगर ये लेंथ की बात करें तो दिस इज बी माइनस ए, ठीक है। अब देख एक t इक्वल्स टू t पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो फिक्स है, जो अपर सिलेंडर है वो तो फिक्स्ड है, और ये मान लो यहाँ पे आ गया जो स्मॉलर सिलेंडर है, ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पे आ गया, लेट अस से दिस इज अ थीटा एंगल, ठीक है, और मान लो ये इनिशियली ये जो पॉइंट है जो यहाँ कांटेक्ट में इसके ये ए है, ये अभी यहाँ कहीं आ गया है, ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ से यहाँ आ चुका है, मतलब ऐसे बोल लो ये एंगल लेट अस से फाई है, ठीक है, लेट अस कॉल दिस सी, दिस Let us call this A dash, this is A, this is O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे होगा, जो स्मॉलर सिलेंडर है, तो इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब ये यहाँ पे यहाँ चला गया है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो इसका ये जो आर्क लेंथ है या जो इसको बोल देते हैं AC, ठीक है, अगर आर्क AC की बात की जाए तो वो क्या होगा, देट विल बी थीटा इंटू ये जो रेडियस है, नोट आर्क AC, हमें कौन सा आर्क देखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, हमें देखना है इसका सेंटर ऑफ मास जो है इसका, ये यहाँ से यहाँ आ चुका है, ठीक है, तो सेंटर अगर इसको लेट अस से ये इनिशियली जो ये पोजीशन है इसको लेट अस कॉल दिस G1 एंड लेट अस कॉल दिस इज G2, ठीक है। तो आर्क G1 G2 क्या हो जाएगा, G1 G2 इज B माइनस A इंटू थीटा, ठीक है, बिकॉज ये जो रेडियस है ये कितनी है, दिस इज बी माइनस ए, और ये सेंटर ऑफ मास का मोमेंट देख रहे हैं हम, सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ आ गया, सो इसके सेंटर ऑफ मास ने जो है आर्क G1 G2 ट्रेवल किया इन टाइम t, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल्स टू द लीनियर मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्मॉलर सिलेंडर, लेट लीनियर डिस्प्लेसमेंट of center of mass of smaller cylinder, smaller cylinder ही move कर रहा है, bigger one तो fixed है, let us say this is x, ठीक है, तो this x has to be equal to this, this is pure rolling's condition, ठीक है, due to pure rolling ये हमने discuss किया ना कि अगर कोई भी pure rolling हो रही है तो मान लो ये ऐसे rotate हुआ तो ये थीटा एंगल से rotate हुआ और इधर x इसका मोमेंट अगर ऐसे रोटेट हो रहा है तो इधर मूव होगा, x ऐसे मूव हो गया, तो दिस x हैज टू बी इक्वल्स टू r थीटा वेयर r इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर और डिस्क और हूप व्हाट एवर इट इज, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ अप्लाई की, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है उसने ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका ये हो गया b माइनस ए इंटू थीटा, दिस हैज टू बी इक्वल टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट दो कि सेंटर ऑफ मास का होगा, ठीक है, आई होप ये समझ में आता। अच्छा फर्दर उसी टाइम में ये जो है, अब देखो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया और ये रोटेट होके या पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये क्या है, इसकी रेडियस तो ए है, तो ये जो आर्क सी ए डैश है, आर्क सी ए डैश ये क्या है, दिस इज ए टाइम्स फाई, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होना चाहिए क्योंकि प्योर रोलिंग की वजह से, सो दिस डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल्स टू ए फाई, आई होप ये समझ में आता है, दिस शुड बी ए फाई, बस अगर ये समझ में आता है तो अब तो इसमें कुछ खास है नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम, अब देखो काइनेटिक एनर्जी अगर लिखी जाए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम t इक्वल्स टू 1/2 m वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने डिस्कस किया था व्हेन आई डिस्कस मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इन 2 डायमेंशन। ठीक है, उसमें ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इन 2 डायमेंशन। ठीक है, वहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट एंड रोटेशन दोनों हो रहा है उसका, देन उसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 एम वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटीज ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यार आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, दैट इज इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब देखो इसमें, अच्छा ये हमने x एज्यूम किया है कि इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट x है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर भाई वी सी एम क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट dx/dt। तो ऐसा लिख सकते हैं प्लस 1/2 आई। अच्छा रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, तो इसका आई क्या हो जाएगा एम के स्क्वायर। डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन यही है। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ जायरेशन में इश्यू है तो इसके लिए भी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जब हमने डिस्कस किया उसमें डिस्कस किया, सो एम के स्क्वायर। ठीक है, सो दिस आई हैज टू बी एम के स्क्वायर। और ओमेगा किसका, ओमेगा इस बॉडी का जो कि सेंटर ऑफ मास के इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रही है, सो दिस फाइव, सो दिस हैज टू बी फाइव डॉट का स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा इज d/dt, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे थीटा डॉट नहीं आएगा, फाइव डॉट आएगा, बिकॉज इस बॉडी का रोटेशन देख रहे हैं अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। ठीक, बस अब तो ये सिंपल है। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी लेट अस फिक्स दिस एज ओरिजिन, अगर इसको ओरिजिन ले दें, इसको रेफरेंस लिया जाए, 0 0 यहाँ पे ले लिया जाए, तो देखो ये यहाँ मूव हो चुका है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और ये जो लेंथ है ये क्या है, दिस लेंथ इज द बिगर रेडियस इज b, सो दिस इज b-a, सो दिस विल बी b-, ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी b-a कोस थीटा इंटू mg। और क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से नीचे है ये जहाँ इसका जो भी पोजिशन है, सो माइनस, सो दिस विल बी द पोटेंशियल। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, अब देखो अब तो सिंपल है, अब क्या करेंगे हम, सो अच्छा सो लैग्रांजियन क्या होगा इसका। ठीक है, ये कंजर्वेटिव सिस्टम है, ओनली ग्रेविटी के अंदर ये सब हो रहा है सिस्टम। ओके, इवन अगर ये मान लो जो आउटर सिलेंडर है वो रफ होता तो भी प्योर रोलिंग में उसके द्वारा कोई वर्क नहीं होता। ठीक है, अब देखो एल क्या होता है t-v, सो टी इज 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 एम के स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर प्लस b-a एम जी इंटू कोस थीटा, दिस इज लैग्रांजियन। अब हमें क्या है देखो, यहाँ फाइव थीटा एंड x 3 वेरिएबल है x डॉट, और इन तीनों में रिलेशन भी हमें हमने अभी डिराइव किया, दिस इज b-a थीटा इज इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू a5। तो अभी देखो ये थीटा है कोस थीटा, तो थीटा में ले जाएंगे हम, क्योंकि कोस थीटा को यहाँ से थीटा हटाना इज नॉट इजी, तो हम क्या करेंगे 1/2 एम एक्स डॉट थीटा में ले जाएंगे, तो ये क्या आएगा b-a थीटा डॉट x डॉट इज b-a थीटा डॉट, ऐसा कर सकते हैं p-a थीटा डॉट इज इक्वल टू x डॉट इज इक्वल टू a5 डॉट। ठीक है, और इसका स्क्वायर है, सो इसका स्क्वायर प्लस 1/2 एम के स्क्वायर फाइव डॉट का स्क्वायर, दैट इज b-a थीटा डॉट डिवाइड बाई a का स्क्वायर प्लस b-a एम जी कोस थीटा, दिस इज आवर लैग्रांजियन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब देखो इसको 1/2 एम b-a का स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 एम के स्क्वायर b-a का स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस b-a एम जी कोस थीटा। ठीक है, और इसको वी कैन राइट 1/2 एम b-a स्क्वायर ले लो बाहर, तो यहाँ से रह गया 1 प्लस के स्क्वायर बाई a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस b-a एम जी कोस थीटा, दिस इज लैग्रांजियन। नाउ लैग्रांजेस इक्वेशन ये क्या होती है d/dt डेल l ओवर डेल थीटा डॉट माइनस डेल l ओवर डेल थीटा इक्वल्स टू 0, दिस इज फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। और यहाँ पे थीटा इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, आई होप समझ में आता है। अब इसमें पुट किया जाए वैल्यू d/dt डेल एल और डेल थीटा डॉट करेंगे, तो देखो ये सब तो कांस्टेंट है, ऐसा कैसा रहेगा 1/2 एम b-a स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर थीटा डॉट का करेंगे तो क्या आएगा 2 थीटा डॉट। ठीक है, और तो यहाँ कहीं है नहीं, थीटा डॉट, सो और पार्ट का तो हो गया जीरो, ठीक है, माइनस माइनस अब देखो थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या होगा, इसमें थीटा है नहीं सिर्फ इसमें, सो बी माइनस ए एम जी कोस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, सो प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो दिस इज देखो एम से तो एम गया यहाँ पे, तो चलो लिख देते हैं 1/2 mb माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 2 से 2 हो गया कैंसर, थीटा डबल डॉट हो गया विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ए एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब इसको देखो एक b माइनस ए कैंसिल हो रहा है, एक m कैंसिल हो रहा है, सो यहाँ पे एक b माइनस ए रह गया 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा, और साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाई थीटा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि हमें इफेक्टिव हमें लेंथ चाहिए ऑसिलेशन की, सो थीटा को अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, और यहाँ से वी कैन राइट द थीटा डबल डॉट इज माइनस जी डिवाइड बाई बी माइनस ए 1 प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको कंपेयर किया जाए इससे, थीटा डॉट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, देन ओमेगा स्क्वायर इज गिवन बाय जी डिवाइड बाय बी माइनस ए 1 प्लस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ में आता है। और जो टी है वो क्या होता है टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, और दिस टी इज गिवन बाय 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है। दिस ये तो वी नो द टाइम पीरियड टी फॉर ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ से वी कैन से दैट 1 बाई ओमेगा इज रूट एल बाई जी, और वी कैन से दैट ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट जी बाई एल, ठीक है। सो दिस हैज टू बी इक्वल्स टू जी बाई एल, जो इफेक्टिव है, जो हमें बेसिकली इफेक्टिव लेंथ चाहिए, तो जी बाई एल इफेक्टिव, from this what we can say that L effective is nothing but b minus a 1 plus k square by a square, इसको बोलते हैं equivalent length, ठीक है। ये compound pendulum जब मैंने डिस्कस किया उसमें equivalent length को अच्छे से डिस्कस किया है, तो यही हमें प्रूव करवाना था, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो गुड क्वेश्चन इनफैक्ट, ठीक है। प्रोसेस फॉलो करना था, मेन चीज़ इसमें थी जो हमने प्योर रोलिंग कंडीशन लिखी, अगर वो लिख दी तो उसके बाद सिंपल प्रोसेस था, ठीक है। आई होप समझ में आता है, ओके। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये 15 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है। यूजिंग हैमिल्टन इक्वेशन फाइंड द एक्सेलरेशन फॉर ए स्फीयर रोलिंग डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, देखो रोलिंग है यहाँ पे भी, इफ एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ स्फीयर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन इनफैक्ट, ठीक है। ये आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन हमने लैग्रांजियन से डिस्कस किया है पहले, ठीक है, हैमिल्टन से भी कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट लैग्रांजियन और हैमिल्टन के जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा बहुत आसान होंगे, ठीक है, ओके। अच्छा देखो इसमें क्या बोला है कि एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, लेट अस से अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और यहाँ से कोई स्फीयर है, ये इस पर रोल कर रहा है, रोल मीन्स प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है। मान लो ये कोई फिक्स पॉइंट है, लेट अस से दिस इज ए इज फिक्स पॉइंट, यहाँ से रोल होके एक्स डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली मान लो, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इसने मान लो थीटा एंगल से रोटेट हो चुका है, ठीक है, ओके, एंड प्योर रोलिंग है, ओके। सो व्हाट हैपेंड दैट इनिशियली दिस स्फीयर वाज एट द पॉइंट ए, इट हैज रोल्ड डाउन थ्रू अ ट्रांसलेशन और अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एंड रोटेटिंग थ्रू अ एंगल थीटा, ठीक है। सो बाय द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, जितना इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही ये डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही हो, इस आर्क की लेंथ भी वही होनी चाहिए, हमें रेडियस दी है क्या, रेडियस नहीं दी, लेट अस एज्यूम दैट रेडियस इज ए, देन दिस ए थीटा हैज टू बी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, ये हो गई हमारे पास कंडीशन 1, और यहाँ से वी कैन से दैट एक्स डॉट इज इक्वल्स टू ए थीटा डॉट, ओके, यहाँ से, और x डबल डॉट इज ए थीटा डबल डॉट, ठीक है। अब देखो अच्छा यहाँ फ्रिक्शन भी है, रफ प्लेन है ये, सो देयर इज ए फ्रिक्शन रफ प्लेन, अब देखो अब क्या है, जब फ्रिक्शन है ये सब है तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इट इज़ बेटर वी गो बाय द, वैसे इसने तो बोल ही दिया हैमिल्टन है तब तो कुछ करना ही नहीं है। इनकेस अगर हैमिल्टन बोलता नहीं तो भी इट इज़ बेटर कि हम काइनेटिक एनर्जी मीन्स जो एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है उससे ही जाएं फोर्स वाले में, इसमें क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा एंड दो स्टफ, सो वी शुड नॉट गो बाय द फोर्स मेथड या बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम T इज इक्वल टू 1/2, देखो ये रोल हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इसका, तो क्या आएगा 1/2 m सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, सो 1/2 m सेंटर ऑफ, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसका x हो गया, यहाँ से x डिस्प्लेसमेंट हुआ तो सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट हो गया x डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 i, आई क्या होता है इसका 2/5 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज थीटा डॉट, सो थीटा डॉट का स्क्वायर। आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे जो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो इनिशियल चैप्टर है दे आर इम्पोर्टेंट इन द सेंस दैट उनका यूज़ होना ही है हर जगह। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, अच्छा स्फीयर से पहले कुछ गिवन नहीं है तो हम उसको सॉलिड ही मानेंगे। ठीक है, होलो के लिए इट विल बी गिवन कि होलो है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अबाउट इट्स सेंटर और अबाउट इट्स डायमीटर एक्चुअली, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर और डायमीटर इज गिवन बाय 2/5 एम ए स्क्वायर, सो हमने यहाँ पुट किया ओमेगा इज थीटा डॉट बिकॉज डी थीटा डी टी इज द ओमेगा यार। ठीक है बस, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होगी, देखो मान लो ये ऐसे एक्स इसने यहाँ ट्रेवल किया, ये जब यहाँ था जब ये इनिशियली यहाँ पे था इस टाइप से, ठीक है तो यहाँ पे इसका जो है सेंटर ऐसे था, तो अगर ये लाइन ऐसे ड्रॉ की जाए, ठीक है और यहाँ से अगर एक लाइन पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए, ठीक है तो अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ चुका है, पहले यहाँ पे था तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए। अगर ये अल्फा है देन दिस विल आल्सो बी अल्फा बिकॉज ये जो लाइन है एंड दिस लाइन आर पैरेलल एंड दिस लाइन आर पैरेलल, सो दिस इज अल्फा। अगर ये एक्स है, दिस इज एक्स मीन्स दिस डिस्टेंस इज एक्स, ठीक है एंड दिस इज ऑफकोर्स 90, सो दिस हैज़ टू बी एक्स साइन अल्फा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स साइन अल्फा। मान लो ये जो पॉइंट है इसको लेटर से 0,0, इसको ओरिजिन ले लिया हमने, अच्छा ओरिजिन हमने यहाँ लिया है वैसे, ठीक है ओके उससे फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। ठीक है, अगर यहाँ पे ओरिजिन लेंगे तो भी ये एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन तो यही रहेगा, यहाँ ओरिजिन लेने का फ़ायदा ये है कि हम डायरेक्ट माइनस एम जी एक्स साइन अल्फा लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ ओरिजिन लेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इस रेडियस में से माइनस करना पड़ेगा इसको, भाई ये डिस्टेंस हमें पता है और ये टोटल ए है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी ए माइनस एक्स साइन अल्फा, तो कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी एक रेफरेंस यूज करो एंड उसके साथ स्टिक रहना है फिर। ठीक है, सो दिस इज 1/2, अच्छा सो दिस इज एम जी और ये एक्स साइन अल्फा है, बट क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है बेसिकली ये इस टाइप हुआ ना, इस टाइप से मूवमेंट हो गया और ऐसे दिस इज एक्स साइन अल्फा, इसको रेफरेंस पॉइंट लिया है, सो क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के नीचे है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ जी, सो दिस इज माइनस। ठीक है, सो अब देखो अब लेग्रांजियन लिखा जाए इसका, लेग्रांजियन एल इज टी माइनस वी, सो दिस विल बी 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 2 से 2 गया 1/5 एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एक्स साइन अल्फा। आई होप ये समझ में आता है, और हमें ये भी गिवन है दैट ए थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसको किसी भी एक वेरिएबल में ले जाते हैं, हमें एक्सेलरेशन पूछा तो एक्स में ले जाते हैं। ठीक है, तो थीटा कैन बी रिटन एज एक्स बाई ए और थीटा डॉट कैन बी रिटन एज एक्स डॉट डिवाइड बाई ए, सो दिस एल कैन बी रिटन एज 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 एम थीटा डॉट की जगह एक्स डॉट बाई ए स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया एम एक्स डॉट का स्क्वायर ठीक है, प्लस एम जी एक्स साइन एल्फा और एल इज नथिंग बट दिस इज 7/10 एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एक्स साइन एल्फा। बस अब तो आसान है। तो अगर इससे अब हैमिल्टोनियन लिखेंगे तो हैमिल्टोनियन क्या होता है, पी एल्फा क्यू एल्फा डॉट माइनस एल, यहाँ पे जो x है दिस इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो q1 इज x, एक ही है यहाँ पे, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर बिकॉज थीटा इज डिपेंडेंट ऑन x। सो दिस कैन बी रिटन इज पी एक्स एक्स डॉट माइनस एल और पी एक्स कैसे आएगा, पी एक्स इज इक्वल टू डेल एल और डेल एक्स डॉट। एज सिस्टम इज कंजर्वेटिव, ये ऐसा हो रहा है बिकॉज फ्रिक्शन डज नो वर्क हियर, फ्रिक्शन डज नो वर्क ड्यू टू प्योर रोलिंग, ये भी लिखना होगा, ठीक है, प्योर रोलिंग। यहाँ जो फ्रिक्शन है रफ प्लेन है पर फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं होता बिकॉज ऑफ प्योर रोलिंग। ये जो है सॉरी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होगा, ये मैंने जो प्योर रोलिंग का जो लेक्चर डिस्कस किया उसमें ये प्रूव किया है कि क्यों जीरो होगा, ठीक है। सो यू मे रेफर टू दोज दैट लेक्चर, ओके। तो ये अगर अप्लाई करेंगे तो डेल एल और डेल एक्स डॉट दिस इज एल, तो यहाँ से पी एक्स क्या आएगा 7/10 एम एक्स डॉट स्क्वायर का हो गया 2x डॉट, दैट इज 7/5 एम एक्स डॉट, ठीक है। और वी नो दैट जो हैमिल्टन होता है दैट इज फंक्शन ऑफ पी एल्फा एंड क्यू एल्फा एंड टी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स डॉट को मेटा ना, सो यहाँ से वी कैन से दैट एक्स डॉट इज नथिंग बट 5px डिवाइड बाई 7m, ठीक है। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट पी एक्स और x डॉट की वैल्यू ये रखेंगे, तो 5px स्क्वायर डिवाइड बाई 7m माइनस एल और h इज इक्वल टू 5px स्क्वायर डिवाइड बाई 7m माइनस 7/10 mx डॉट, x डॉट की वैल्यू यहाँ से रखो, फिर 5pm डिवाइड बाई 7m का स्क्वायर प्लस mgx साइन एल्फा। x को तो रखना है मैं क्योंकि x में तो हो सकता है h। अब देखो ये क्या होगा, इसको वी कैन राइट 2 into 5, तो देखो ये 7/5 एंड 5/7, सो दिस इज 5px स्क्वायर 7m। यहाँ पे देखो 5pm डिवाइड बाई 7m रहेगा उसका हाफ, सो ये हो जाएगा हाफ माइनस mgx साइन एल्फा। दिस इज हैमिल्टोनियन, आई होप समझ में आता है, ठीक है। अच्छा इस हैमिल्टोनियन को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं एज सिस्टम इज, या ऐसा लिख सकते हैं एज लेग्रांजियन does not involve t explicitly, ठीक है, क्योंकि लेग्रांजियन का एक्सप्रेशन ये है, इसमें कहीं भी t नहीं है। सो h will be equals to total energy t plus v, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो t क्या होगा, t is 1 by ये जो 7/10 आई थी, आई थिंक t was 7/10 एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वी, वी क्या है, वी इज माइनस एम जी एक्स साइन एल्फा, ठीक है। और एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, सो यही आ जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। सो ये सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज 7/10, सो 7/10 एम एक्स डॉट क्या है 5px डिवाइड बाई 7m का स्क्वायर माइनस एम जी एक्स साइन एल्फा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली 5px डिवाइड बाई 14m px का स्क्वायर माइनस mgx साइन एल्फा, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन आ गया। सो दिस इज h, कैसे भी कर सकते हैं, इट इज़ बेटर कि इस टाइप ही करें क्योंकि वो सिंपल है, ठीक है। ये सिर्फ तभी वैलिड है व्हेन लेग्रांजियन में t एक्सप्लिसिटली नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड ऑलवेज, मीन्स हैमिल्टन विल बी इक्वल टू एनर्जी when L is independent of T, not independent of T when L doesn't have T explicitly, ठीक है। अब देखो अब है हैमिल्टन्स इक्वेशन, हैमिल्टन्स इक्वेशंस ये क्या होती है, डेल एच पी एल्फा डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच डेल क्यू एल्फा। अगर ये अप्लाई करेंगे तो देखो पी एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच और डेल एक्स और माइनस इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस एम जी साइन एल्फा आ गया ये, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या होती है, क्यू एल्फा डॉट इज इक्वल टू डेल एच और डेल पी एल्फा, और वी कैन से दैट एक्स डॉट इज इक्वल टू डेल एच और डेल पी एक्स। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा 5px/7m, ठीक है। और दिस इज एक्स डॉट, तो यहाँ से वी कैन से दैट पी एक्स इज इक्वल टू 7m x डॉट डिवाइड बाई 5। सो ये आ गई हमारे पास वन, लेट अस कॉल दिस टू, दीज आर द टू लैग्रेंज हैमिल्टन्स इक्वेशंस, ठीक है। ये तो वही आ गया जो अपने ओरिजिनल निकाला था, ठीक। सो फ्रॉम दिस टू व्हाट वी कैन से, यहाँ से भी है पी एक्स डॉट इज इक्वल टू एम जी साइन एल्फा दैट हैज़ टू बी इक्वल टू डी ओवर डी टी। भाई पी एक्स डॉट क्या होता है? डी पी एक्स ओवर डी टी, बट पी एक्स तो क्या है? यहाँ से वी कैन राइट 7m x डॉट बाई 5, ठीक है। So from there we can say that mg sin alpha is equals to 7/5 mx double dot, or this is 5g/7 sin alpha is equals to x double dot, ठीक। और the acceleration is given by 5g/7 sin alpha, 5 पे समझ में आता है। So acceleration ने हमें पूछा, okay। So direct implementation of Hamilton's equations, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है, ओके, एक्सेलरेशन, ठीक। तो बस इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, पहला है प्योर रोलिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग, एंड दूसरा है हैमिल्टन। बट हैमिल्टन तक पहुंचने के लिए यू शुड नो लैग्रांजियन, सो लैग्रांजियन भी बोल सकते हो, ठीक। सो लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this question I discussed in fluid lecture, one of the fluid dynamics lecture. I will pin the link in the comment section, in description as well, ठीक है। ये discuss किया था when I think 9th lecture है fluid dynamics का, जब हमने Euler's equation start की थी, then I took it as an example, ठीक है। तो ये question in fact 90s में पूछा हुआ है civil services में, और ये again 2019 में पूछ लिया गया, ठीक है। डायरेक्ट आइलर इक्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने सोर्स और सिंक वाले में डिस्कस किया है, ठीक है। इसको भी आई विल पिन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो ये इस 2019 का डिस्कशन खत्म होता है, ठीक।